नोबा टैक्सिंग में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस गोजा रोड पर कायम ग्रीन बेल्ट जबो हाली का शिकार है। ग्रीन बेल्ट में झूले डूट बूट का शिकार है जबकि घास मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गई है। ग्रीन बेल्ट की बाढ़ न होने की वजह से करीबी बारी के लोगों ने भी इसमें कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है। ग्रीन बेल्ट में जगह जगह गंदगी और खुदरो झाड़ियों की वजह से शहरियों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। 20-30 साल पहले यहाँ पे पौधे भी लगे हुए थे और पानी भी दिया जाता था, सब पौधे जो है वो नामो निशान ही नहीं है, जो पानी भी नहीं देता तो मिट्टी तो धूल ही धूल है। हमारे पार्क में जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ 15 दिन पहले मुहिम चलाई गई थी सफाई मुहिम, लेकिन यहाँ सफाई वाला कोई नजर नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने बताया कि शहर में सफाई मुहिम जारी है, जल्द पार्कों की हालत बेहतर की जाएगी। मैंने पिछले एक हफ्ते से एक 15 रोजा मुहिम सफाई के हवाले से चलाई हुई है। शहरी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ग्रीन बेल्ट को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों को सस्ती तफरी मिल सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह।